हेलो। हाँ हेलो, पीडब्ल्यू आई साहब जी। पीडब्ल्यू आई साहब बोल रहे हैं जी? जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार, मैं ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। जी 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 बताइए। बताइए, दो कर्मचारी को आपने ड्यूटी नहीं ले रहा है दो दिन से, आखिर क्या कारण है? अच्छा, ये जो अल्बर्ट गुप्ता के बारे में बात कर रहे हैं? भैया मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये जो चीज है हमारा ये यूनिट जो है ना वो नया बना है, यूनिट है क्योंकि हमारे पास कोई वेल्डर नहीं है, ना ईबीएस है, ना मटेरियल है। ठीक है, और एक चीज को अकोमोडेट करके ना हम इसे ये करके चला रहे हैं। मेरा भी ये भी न्यू पोस्टेड हुआ, आज इंटर यहाँ पर मेरा कोई ये नहीं था। हाँ, वहाँ चाहते हुए भी और फर्स्ट चीज के लिए ट्रेनिंग हो रहा है, और ये जो अल्बर्ट जो है तो लास्ट ढाई साल तीन साल से आगे वेल्डर काम कर रहे हैं। ओके, तो सर नहीं तो अभी के डेट में हमारे पास ना वेल्डर ये हो रहा है, तो हम रेलवे में काम किसको लेके कराएंगे और कौन आएगा यहाँ कराने के? आपके पास वेल्डर पोस्ट है ना? कौन आपके पास में, आपके जो है आपके पास वेल्डर का पोस्ट है ना? वेल्डर का पोस्ट इन द सेंस क्या है, यहाँ पर कोई वेल्डर जो जिसका ट्रांसफर हो चुका है, एक छोटा सा जगह है, कोई आ नहीं रही। अच्छा सर। हाँ, दूसरा बात है सेक्शन लंबा है। हाँ, सेक्शन लंबा है पूरा बनपाट से लेकर रायगढ़ तक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तीन जो सेटअप हुआ है इनमें तो कोई ट्रेंड वाला ये नहीं है, तो इन लोग को जो दिमाग तीन साल से कर रहे हैं तो इंसिस कर रहे हैं कि उन्हें इनमें से दो बंदा जो कमजोर से अपना काम चलता रहेगा, जिसमें से सीनियर मोस्ट जो है वो अल्बर्ट वक्ता थे और एक अपना हरभजन लिंडा। तो भैया आपको भी अनुरोध है इनको थोड़ा सा जो चीज वो लोग कर रहे हैं, नया लोग इनसे होगा भी नहीं, नया ट्रैकमैन को अगर हम लोग इसलिए ये करेंगे वो लोग कर भी नहीं जाएंगे, और दूसरा चीज इनको ट्रेन करके और कोई आना भी नहीं चाहता है ये, पर ये में कोई आना चाहता है क्या आपसे? तो आपको भी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा इन लोग को समझाएंगे ना। बात ऐसा है कि कुछ भी काम जो है ना वो क्या अपनी स्वेच्छा से किया जाता है वो अच्छा रहता है ना? ना, वो कर ही रहे हैं भैया, कर ही रहे, वो काम तीन साल से वो लोग कर ही रहे हैं, बट बात ये होता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। तो हम लोग कितना दिन रेस्पॉन्सिबिलिटी हम अपना घर समझते हैं, उसके बाद बात बताएंगे। बोलिए बोलिए। ये रेलवे हमारा घर समझ लेना है, कि हम लोग जो भी कर रहे हैं उसको अपने हिसाब से ये करें, अपना घर से जैसे ये करते हैं तो कौन आएगा? फिर के लिए फ्री नहीं आ रहे हैं, कल के डेट में हम होल्डिंग नहीं करा पाए, पचास सौ कस्टम ऑर्डर लग जाएगा, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको भी देखना है ना। तो आपको भी रिक्वेस्ट है उनको थोड़ा सा इंक्रीज कराइए, उनको मोबिलाइज करा के ये चीज को उठाइए। बाकी अमेनिटीज का बात होता है ना, मैं कभी किसी तरह स्टाफ का नाइट ये वगैरह मैं 100% कोशिश करता हूँ कि उन लोग का सबसे पहले हो, चाहे मैं कितना रात हुई कि ना हो उसको पहले क्लियर करा कर थोड़ा सा देख लीजिए। आपने कहा ठीक है मैं बात करूंगा, आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे ना। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है 2800 ग्रेड पे वाले हैं, जो 2400 वाले हैं वो तो कीमेन और मेट के काम करने का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। मगर 1800 और 1900 वाले हैं जो कीमेन काम कर रहे हैं, तो वो 2800 वाले बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, वो रेलवे के अदर जगह में लगे हुए हैं, ऑफिस में लगे हुए हैं, बंगला में लगे हुए हैं, साहब को पहुंचा रहे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 2800 वाले को लेना चाहिए ज्यादा ना। 2800 वाला कभी आएगा क्या? 2800 वाला नहीं, आपने मैं इंडियन रेलवे की बात कर रहा हूँ, इंडियन रेलवे की बात कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुआ है। रेलवे जो है ना सिस्टम तक कहीं ना कहीं ऊपर से लेके ही, बट हमारे पास जितना रिसोर्सेस है जिसके अंदर तो हम लोग को रहना पड़ेगा, उसमें से काम ये करना पड़ेगा। मैं काम को निकलने की बात नहीं कर रहा, आप लोग समझिए थोड़ा सा। हाँ, हमको मिलजुल के यूनिट को खड़ा करना है, और आपने बोल दिया पर कितना दिन लोन में एक रायगढ़ से डिक्री साहब ने एक दिए हैं वोल्डर जो कि उधर से चल रहा है, वो बेचारा भी साल भर से पूरा डेडिकेटेडली वो काम करता है अपना रंजन करके इस क्लब का। तो हमारे पास हमको अगर ये बंदा काम कर रहा है, अगर आपके यहाँ वेल्डर पोस्ट अगर अवेलेबल होगा तो क्या इसको पहली प्राथमिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर बंदा तीन साल से काम कर रहा है और अभी भी काम कर रहा है रेलवे के मतलब दे रहा है, तो जब पोस्ट की बात आती है तो इसको पोस्ट दिया जाएगा या फिर दूसरे लोगों को पोस्ट में फिलअप किया जाएगा, ये बताइए। आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, हमारा काम ये है
कि हम इनसे ट्रेनिंग करके जो चीज ये लोग कर रहे हैं वो टीएमएस में डालेंगे। कोई तो वेल्डर का तो नाम होगा तभी, यहाँ पर कोई वेल्डर नहीं। देखिए वेल्डर, देखिए एक मिनट मैं बता रहा हूँ, वेल्डर में वेल्डिंग में देखिए कोई कोई अगर गलती करता है ना तो मैं अपना गलती मानता हूँ और इसको फंसाना ये करना ये मेरा मोटो नहीं। मैं कोशिश करता हूँ, मेरा बनता है, मैं इनको सही सलामत अपने ये छात्र छात्र रख के बढ़िया से काम निकाल के चले जाऊँ। नहीं वो तो वो हम देख रहे हैं, वो तो बात नहीं ना, हम आप एक मिनट में बता रहा हूँ मैं, एक मिनट। देखिए वेल्डिंग का होता है ना तीन चार पोस्ट, एक वेल्डर होता है, ग्रेंडर होता है, लूटर होता है ना, हैमर ये होता है। बाकी बाकी अगर जो है वो तो ट्रैक में ही उनका सपोर्ट करते हैं, सामान उतारना अनलोड करना, जब वेल्डिंग होता है तो सामान को हटा देना, वो ट्रैक में ही उसको सपोर्ट करते हैं है ना। तो अगर भविष्य में पॉलिसी की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगर वो भविष्य में कभी आप उनको पोस्ट अवेलेबल होता है तो आप ये जो व्यक्ति को अभी करा रहे हैं तो वो वेल्डर उतना टाइम आप उनको दीजिएगा ना, उनको रिकमेंड कराएंगे। उनको हमारा हाथ में जो रहता है क्या रहता है, हम रिकमेंड ये सीनियर डेट के पास रिकमेंड कराएंगे, बंदा तीन साल से कर रहे हैं उनको पहला प्रोसीडियर, पहला प्रोसीडियर दिया जाए। नहीं नहीं ऐसी ऐसी हो रहा है ना कि मान लीजिए, देखिए कोई काम अगर कोई और करता है, मान लीजिए मेहनत कोई और कर रहा है, सपोज देन की 1800 वाले की मैं बात कर रहा हूँ, 1800 वाला काम कर रहा है, 1900 वाला चाबी देख रहा है, शहीद हो रहा, मगर आजकल रेलवे की पॉलिसी की अगर सम्मानित होना है तो वो 2800 और जो अधिकारियों के चमचागिरी में लगे रहते हैं वो लोग को सम्मानित किया जाता है, डेट पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा नहीं था ना, आपके अगर ये बंदा काम कर रहा है तो आपकी पहली प्राथमिकता होगी, पहली प्रोसेस होगी कि इसको वेल्डर का पोस्ट। देखिए वो तो पोस्टिंग हमारा हाथ का है ना। हाँ वो तो एजेंट का है, आप रिकमेंड कर सकते हैं। हाँ रिकमेंड मेरा तो पहले रहेगा, हम लोग पहले, मैं आज भी बोल रहा हूँ उसी दिन में देखेंगे, दो साल के बाद एक साल के बाद अगर रहेगा आप सिंपली मेरे साथ यही बात करेंगे कि आप बताए थे आप बात को मुकर गए, अगर ऐसा होता है तो मेरे को फिर बताएंगे। नहीं ठीक है, मगर मैं बात करता हूँ, मगर ये जो दो दिन से, हाँ मैं बात करती हूँ, काउंसिलिंग करूंगा उनको भी। आप जो दो दिन का ये है, पहले दो दिन इनको जो है उपस्थिति दर्ज करवाइए, फिर मैं बात करता हूँ उनसे, ठीक है। आप इनको इमीडिएटली आप ड्यूटी ले लीजिए। उनका उनका ये है, उनको सुनिए, उनको इंसिस्ट करा के ये ट्रेनिंग कैसे जाए, थोड़ा सा वो ट्रेनिंग लखनऊ ना खड़ा होगी, कैसे इंडिपेंडेंटली काम करा पाएंगे, और एक साल 13-14 महीना करीब हो गया सिस्टम को ये। ठीक है वो तो मैं काउंसलिंग करूंगा बात करने के लिए, ठीक है, जहाँ तक होगा मैं। देखिए हम लोग भी चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी रेलवे ट्रैक को प्राथमिकता देते हैं, अगर रेलवे ट्रैक सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, बिल्कुल, और हमारा ट्रैकमैन सुरक्षित है तो रेल परिवार सुरक्षित है, एग्जैक्टली है ना। हमारा डिपार्टमेंट के चलते पूरा रेलवे बेहतर है, रेलवे खड़ा होता है, मगर आज रेलवे में मैं एक पॉलिसी बता रहा हूँ, रेलवे में जितने भी विभाग है सबसे शोषित और दबे कुचले जो लोग होते हैं वो ट्रैकमैन होते हैं। आज बैकबोन कहा जाता है रेलवे को, ट्रैकमैन को बैकबोन, मगर इस बैकबोन को कोई नहीं देखता, कोई एक दो अधिकारी जो देख लेते हैं, मगर ऐसे बैकबोन को कोई देखने वाला नहीं है, है ना। तो ये है, ठीक है, मैं काउंसलिंग करूंगा और फिर जो है आपको ये भी बता रहा हूँ कि जब आपकी पॉलिसी आएगी तो सबसे पहले यही दो व्यक्ति को जो है आप रिकमेंड करिएगा अपने अधिकारियों से, बाकी जो ऊपर मैं अपने तरफ से आपको अपरंत देता हूँ, इसमें कोई विमर्श नहीं होगा और मैं पहला चीज मेरा यही रहेगा। ठीक, चलिए ठीक, ओके ओके।